कहा जा सकता है, एक क्लैरिफिकेशन है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की तरफ से। क्लैरिफिकेशन वैसे ही नहीं दी जाती, कोई अच्छा कैंडिडेट जो डिस्टर्ब हुआ है वो एनसीटी को लेटर लिखता है। ये लिखा है, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर योर लेटर नंबर, ये नंबर दिया गया है TGT पंजाबी फीमेल 2022। ओके, ये नंबर और डेट है 28 जुलाई 2022। अभी लेटर लिखा गया है, ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव, कौन सा क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन CTET, है ना। तो ये याद रखना है, इट मींस ये अप्लाई होगा TET सभी पर। दैट द सिविल अपील, ये वाली जो भी है, डिस्पोज्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाइड नंबर दिस, द ऑपरेटिव पैरा सेड अंडर। अब जो इंटरप्रेशन दी गई है कि जो उन्होंने पूछा क्या था कि जो मान लीजिए ये है, मान लीजिए आपने बीएड में एडमिशन ली, यहां पर ये बीएड यहां से स्टार्ट हुई आपकी बीएड, ये आपका हो गया 6 महीने का फर्स्ट सेम और सेकंड सेम, 1 साल हो गया थर्ड और ये फोर्थ। ठीक, तो क्वेश्चन ये था कि इसके बीच अब मेरा रिजल्ट आउट नहीं हुआ, क्या मैंने बीएड में एडमिशन ली हुई है, आई एम परस्यूइंग, ओके परस्यूइंग बीएड, इसका मतलब होगा मैं यहां हूं या यहां हूं या यहां हूं या यहां हूं, तो मैं इस स्टेज पर हूं, क्या मैं CTET का फॉर्म फिल कर सकती हूं और एग्जाम दे सकती हूं, मेरा रिजल्ट आ जाता है तो मैं एलिजिबल गिनी जाऊंगी। तो ये आंसर दिया गया है कि एज पर डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड परस्यूइंग द मीनिंग अंडर गोइंग एंड और प्रोसीडिंग फर्दर, ये वाली बात प्रोसीडिंग फर्दर, देयरफॉर ए कैंडिडेट हु हैज बीन एडमिटेड इन एनी TTC टीचर ट्रेनिंग कोर्स, फॉर एग्जाम्पल BEd एंड ETT अंडरगोइंग द टीचर ट्रेनिंग कोर्स कैन बी सेट टू परस्यूइंग सच टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड शैल बी एलिजिबल, ये रहा शैल बी एलिजिबल, ये है खुशखबरी, एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन TET एग्जाम। ये नहीं है कि CTET है, आप स्टेट टेट आपका कोई भी है, UP TET है, पंजाब टेट है, है ना, कोई भी टेट है उसके लिए आप एलिजिबल हो अगर आप BEd कर रहे हो और किसी भी स्टेज पर हो, एग्जाम आप फिल कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, इन रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेदर बाय लास्ट डेट स्पेसिफाइड फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन फॉर्म फॉर टेट एग्जामिनेशन। ये नहीं है कि लास्ट डेट से पहले आपका रिजल्ट आउट हुआ होना चाहिए, अगर रिजल्ट आउट नहीं हुआ तो भी आप एलिजिबल हो, इवन आपके 2 सेम पड़े हैं अभी, है ना, आप फिर भी फॉर्म फिल कर सकते हो, इवन उससे पहले भी फिल कर सकते हो, लेकिन CTET का एग्जाम या TET का एग्जाम ही तब आता है कि आपका लगभग 1 या 2 सेम खत्म हो गए होते हैं, दैट इज वाई आप इनिशियल स्टेज पर नहीं फिल करते। लेकिन ये जो जजमेंट है ये कह रही है कि आप कहीं भी आप टेट को फिल कर सकते हो। ही हैज फैक्ट अपियर्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ द कंसर्न्ड टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड रिजल्ट इज बेशक रिजल्ट अवेटेड है। परस्यूइंग द रिक्विजिट टीचर ट्रेनिंग कोर्स इज सफिशियंट टू मेक सच कैंडिडेट एलिजिबल टू अपियर इन, तो सिंपल बात है इतनी कि अगर आप बीएड के किसी भी स्टेज पर हो तो आपको बीएड टीईटी का, अगर आपका स्टेट का जहां सेंटर का फॉर्म निकलते हैं, एग्जाम होते हैं, तो आपको उसमें अपीयर हो जाना चाहिए। हो सकता है कि बीएड बाद में कंप्लीट हो, आपका टीईटी पहले कंप्लीट हो जाए, ये होता भी है, जैसे UGC नेट है कि आप अभी फर्स्ट सेकंड सेम में हो, आधी आपकी मास्टर डिग्री हुई है तो आप अपीयर हो सकते हो, वहां रूल ये था, अब पता नहीं है कि नहीं, कि विद इन 1 ईयर आपका रिजल्ट मास्टर डिग्री का आउट हो जाए, है ना, तो यहाँ वो भी बात नहीं है, इट मींस आप मिड में जहां भी यहां हो तो आप TET के लिए अपीयर आपको हो जाना चाहिए।
अगर और कुछ नहीं पढ़ना तो ये लाइन लास्ट वाली पढ़ लीजिए, दियर फॉर ऑन द फेयर रीडिंग द क्लोज 5-2 ऑफ एनसीटी गाइडलाइन ए पर्सन हु हैज बीन एडमिटेड इन टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड इज परस्यूइंग ही और शी कैन अपियर इन टीईटी एग्जाम। इतनी बात है, तो सेकेंड पैरा में यही बात क्लियर की गई है, वैलिड जो हो जाती है। इट इज क्लियर फ्रॉम द ऑर्डर पास बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया दैट द कैंडिडेट हु हैज बीन एडमिटेड इन एनी ऑफ द टीटीसी टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड अंडरगोइंग अ टीचर ट्रेनिंग कोर्स कैन बी सेट टू परस्यूइंग सच टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड ए फेयर रीडिंग ऑफ क्लोज 5-2 ऑफ द एनसीटी गाइडलाइन द पर्सन हु हैज बीन एडमिटेड इन टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड इज परस्यूइंग इज ही और शी कैन अपियर इन टीईटी एग्जाम। सो इट मीन्स आप अगर बी एड के दौरान हो, एक सेम, दो सेम, तीन सेम, चार सेम, जिस जहां भी आपको टीईटी आता है उसके फॉर्म फिल कर देने चाहिए। डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज। थैंक यू।